नमस्कार दोस्तों, यह है मेरे पास सैमसंग का सैमसंग गैलेक्सी S21 FE। दोस्तों जो सैमसंग की तरफ से एफ ई जो सीरीज है उसका दोस्तों लेटेस्ट मॉडल है मेरे पास। दोस्तों आज मैं आपको इसके एक अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ जो कि दोस्तों कल ही मैंने इसमें इंस्टॉल किया है। दोस्तों आपको पता ही है कि सैमसंग गैलेक्सी जो S21 FE वाला दोस्तों ये फ़ोन है, ये मेरे पास S21 FE है। दोस्तों अगर मैंने S20 FE बोल दिया हो तो उसके लिए सॉरी। दोस्तों इसमें आपको पता ही है कि ये जो बैटरी ड्रेनिंग होती है वो काफ़ी जल्दी जल्दी होती है। दोस्तों इसमें कल एक अपडेट आया था जिसको मैंने इंस्टॉल किया है, जो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए लास्ट अपडेट 27 जून, जो कि दोस्तों मैंने कल किया था शाम को 5 बजे। दोस्तों इसमें हमें कल एक अपडेट मिला था जिसको मैंने इंस्टॉल कर लिया डाउनलोड करके, तो उसका दोस्तों जो साइज था वो था 470 MB का, जिसमें आपको सिक्योरिटी पेच लेवल 1 जून का मिलता है। दोस्तों मुझे लगा कि जब इसमें जिस सिर्फ अपडेट सिक्योरिटी पेच के लिए आया है तो 100-150 MB तक का होना चाहिए था, फिर दोस्तों इसने इतना साइज़ क्यों इंक्रीज किया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस अपडेट में दोस्तों आपको कुछ बग्स वगैरह जो होते हैं आपके फ़ोन में वो फिक्स होकर मिलते हैं। जैसे दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ योर डिवाइस हैज बीन इम्प्रूव, और सिक्योरिटी पेच लेवल दोस्तों आपका इस पर इम्प्रूव कर दिया गया है, तो जो भी इसमें यहाँ पे शो हो रहा है। दोस्तों अगर आपके फ़ोन में बैटरी ड्रेन की जो दिक्कत आती है तो आपके फ़ोन में जो भी अपडेट नए नए आते हैं आपको इनको जल्दी से इंस्टॉल कर लेना चाहिए, क्योंकि जो भी कंपनी अपडेट दे रही है इतने छोटे छोटे, मतलब जो 400-500 MB तक के जो अपडेट होते हैं, जिनमें दोस्तों आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ हमें सिक्योरिटी पेज लेवल ही अपडेट होकर मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है। सिक्योरिटी पेज लेवल सिर्फ दोस्तों हमें 100-150 MB में मिल जाता है, बट इसमें हमें दोस्तों कुछ बग्स फिक्स होकर मिलते हैं, जिनकी वजह से दोस्तों जब बग्स दोस्तों जो होते हैं वो फिक्स होंगे तो बैटरी ऑटोमेटिकली अच्छा वर्क करेगी और ज़्यादा चलेगी। और अगर आपके फ़ोन में दोस्तों बैटरी वगैरह ज़्यादा ड्रेन होती है, आपको ऐसा लगता है, तो आपको एक दो सेटिंग कर लेनी चाहिए, जिसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। और फिलहाल दोस्तों आप अपने फ़ोन को 85% तक ही चार्ज किया करो, उससे ऊपर मत किया करो, जिससे दोस्तों आपकी बैटरी, आपके फ़ोन की जो बैटरी है उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, तो जो ऑटोमेटिक दोस्तों अच्छा चलेगी। और जो दो तीन जो सेटिंग होती हैं बैटरी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने के लिए, वो उसके ऊपर मैं आपको आपके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तो दोस्तों उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि मैंने काफ़ी सेटिंग की हुई है इस फ़ोन में, तो मेरे दोस्तों फ़ोन की जो बैटरी है वो नॉर्मली दोस्तों 1.5 दिन तक चली जाती है। जब मैं शाम को वापस इसको घर लेके आता हूँ फ़ोन को, तो मेरे फ़ोन की दोस्तों जो बैटरी है वो 40-45% तक बाकी रह जाती है, जबकि मेरे फ़ोन पर काफ़ी कॉल आते हैं दिन भर, फिर दोस्तों आधी से थोड़ा ऊपर बैटरी ही इसमें खर्च होती है, बाकी 40-45% दोस्तों बैटरी बच जाती है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि मेरी फ़ोन की बैटरी 1.5 दिन तक आराम से चली जाएगी। तो आपको क्या सेटिंग करनी है इसके ऊपर दोस्तों मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसको दोस्तों जरूर देखना। दोस्तों जब अपडेट आपके फ़ोन में आ चुका है तो आप इस फटाफट से कर लो, जिसमें आपको जो बक्स वगैरह फिक्स होकर मिल जाएंगे और सिक्योरिटी पिच लेवल दोस्तों आपका इंक्रीज हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक उसे जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।